डालते हुए जाम हो जाए तो यहाँ से गाँठ वगैरह डालकर उसको ऐसे ऑयल को सही कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड बहुत हार्ड आता है, इसको चॉक कर देता है। तो एक छोटा सा वायर साथ में रखें, बिस्किट के अंदर रिफिल कर। नोजल लगा दें हवा पर तो जाम हो रहा हो तो उसको कुछ करके चिंटू आज गाड़ी को लग रहा है यार, ठीक है चालू कर दी। तो हमने इसमें लिक्विड किस तरह भरते हैं आपको बता दिया है। अब ये ट्यूब वाला टायर है और ये टायर तकरीबन पड़ा हुआ था 2 साल से, एक स्पेयर में पड़ा हुआ था। आज हमने निकाला, इसके अंदर हवा भरी है, लिक्विड डाला है। अब अंदर से नहीं मालूम है कैसा है, लेकिन इसमें हम एक यहाँ पे खिली ठोकेंगे। खिली ठोकने से पहले एक निशान मारेंगे यहाँ पे अपन इस तरह का, थोड़ा क्लोज ला के दिखा दे, निशान दिख रहा है ये खिली हमने पूरी डाल दी है। और अब इस खिली को निकालने पर जाहिर सी बात है गाड़ी होती तो पंचर हो ही जाएगी। हवा निकल रही है, ये लीकेज बंद, लिक्विड आ गया ऊपर, लिक्विड अपना काम शुरू कर दिया, आपकी गाड़ी के पंचर की टेंशन ख़त्म। इसी के पास में हम एक खिली और ठोकेंगे अभी। ओह अंगूठे पर लग गई, खिली बहुत हार्ड जा रही है। एक खिली और अपन ने फिर से ठोकी है, इसके आगे एक और खिली ठोक दो। एक खिली हमने यहाँ पे ठोकी है, बीच में रख दिया, फिर वो टायर झुकाएंगे तो फिर अड़ेगी। तो हमने यहाँ पे 3 खिली इसमें ठोक दी है। अब 3 खिलों का अपन यहाँ से आपस रिटर्न बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि अपनी गाड़ी पंचर होती है या नहीं होती है। 1 2
रही है जी। एक दो तीन अब ये देखिए अपने जहाँ पे खिली लगाई थी वहाँ पे लिक्विड अपना ये आके असर कर गया है और ये पंचर को सील कर देगा। अब यहाँ से पंचर होने की शिकायत ख़त्म। तो ये इससे ये हो गया कि गाड़ी के अंदर लिक्विड ट्यूब वाले टायर के अंदर भी काम करता है।